रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की क्लास में हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में आज हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो यूनिट नंबर 5 जो है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में बास्केटबॉल के कोर्ट में लेक्चर नंबर 4 को आज जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने बास्केटबॉल कोर्ट की जो डायमेंशन थी वो पढ़ी थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने बैकबोर्ड को कवर किया था, ठीक है। ओवरऑल जो हमारा थ्री पॉइंट फील्ड एरिया को कवर किया था, फिर फ्री थ्रो को एरिया को कवर किया था, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम इन पॉइंट्स को जो है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जंप बॉल। जंप बॉल क्या होता है? जब भी गेम का आगाज़ होता है या सेकंड हाफ में या गेम जो दोबारा स्टार्ट होती है तो हम जंप बॉल के ज़रिए जो है वो गेम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जंप बॉल से कैसे हमारा जंप बॉल होगा? ये हमारा सेंटर सर्कल है, ठीक है। सेंटर सर्कल से जो हमारा दोनों जो टीम्स होंगी वो अपने अपने एरिया के अंदर जो है वो खड़ी होंगी, ठीक है। यहाँ पर उनका एक प्लेयर खड़ा होगा और यहाँ पे दूसरी टीम का प्लेयर खड़ा होगा, ठीक है। रेफरी जो है वो सेंटर सर्कल के जो है वो खड़ा होगा, ठीक है। सेंटर से जो रेफरी होगा वो बॉल को अपने कद के मुताबिक जो है वो उछालेगा, ठीक है। जैसे ही वो बॉल को उछालेगा जो दोनों जो टीम के प्लेयर्स होंगे वो एट द स्पॉट जो है वो बॉल को जो है वो पिक करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से जो जंप बॉल के ज़रिए जो है वो गेम का आगाज़ होगा। इसी तरह से जब हम देखे हैं जब हमें टाइम आउट मिलता है सेकेंड जो हमारा गेम होता है सेकेंड गेम जो हमारी स्टार्ट होती है या कोई फाउल होने की सूरत में जब भी गेम का जो गेम जो दोबारा स्टार्ट होती है तो हम जंप बॉल के ज़रिए जो है वो गेम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा जो जंप बॉल जो है वो एरिया जो है वो हमारा कवर होगा, ठीक है। सेकंड में हमारा है खिलाड़ियों की तादाद में आप लोग देखें कि खिलाड़ियों की तादाद वैसे तो 10 होती है, ठीक है, लेकिन जब भी एक टूर्नामेंट हो रहा होता है टूर्नामेंट में जो है वो 3 जो है वो हमारे जो सेट होंगे वो हम खेलेंगे तो उसमें हमारा ये होगा 3 मैचेस जो होंगे उसमें देखें तो हम 12 जो हैं वो प्लेयर्स जो हैं वो लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें जो एरिया के अंदर जो है वो प्लेयर्स जो है वो खेल रहे होंगे वो 5 प्लेयर जो होंगे वो एट द टाइम जो है वो खेल रहे होंगे, ठीक है, और 7 या 5 जो प्लेयर्स होंगे वो रिज़र्व होंगे, ठीक है। ये हमारे खिलाड़ियों की तादाद है, 5 जो प्लेयर्स होंगे वो एट द टाइम जो है वो एरिया के अंदर खेल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें खेल का टाइम, खेल का जो वक्त होता है वो हमारा खेल का जो होगा वो 10 मिनट्स के जो हैं वो 4 जो होंगे 4 बराबर जो हाफ होंगे वो, ठीक है, वो 4 जो हाफ होंगे, ठीक है, वो 10 मिनट्स के जो है हाफ होंगे। इस तरह से हमारा जो टोटल टाइम होगा वो 40 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखें कि हमारा खेल का जो टाइम है वो हमारा 10 के जो है वो 4 जो बराबर जो है वो हाफ होंगे, ठीक है, और जो हमारा टोटल टाइम होगा वो 40 मिनट का होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें जो हमारे टाइम आउट जो हमें मिलता है वो टाइम आउट कैसे मिलता है, जब हमारा 10 मिनट्स का जो हमारा एक हाफ होगा उसके बाद हमें 2 मिनट्स की जो है वो ब्रेक मिलती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें जो सेकंड हमारा हाफ होगा उसके बाद जो हमें ब्रेक मिलेगी वो हमारी 10 मिनट्स की ब्रेक होगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग वो 10 से जो है 5 जो 10 मिनट्स की ब्रेक होगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारी थर्ड जो हमारा हाफ होगा वो भी हमें जो मिलेगा वो भी हमारा 2 मिनट्स का होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए हमारा ऐसे जो है वो एरिया जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वक्फा जो हमारा होगा 15 मिनट्स का होगा, ठीक है। तीसरा जो हमारा हाफ होगा वो भी हमारा 2 मिनट्स का होगा, ठीक है। इस तरह हमारा टोटल एरिया जो कवर होगा वो 40 मिनट्स का होगा, ठीक है। जो हमारी सेकेंड हाफ के बाद जो हमें ब्रेक मिलेगी वो 10 जो है वो मिनट्स की होगी और इसका जो वक्फा जो है वो हमें बढ़ा कर जो है वो 15 मिनट्स तक भी जा सकता है, ठीक है। ये हमारा जो है वो टाइम आउट का जो एरिया है वो कवर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारी आ जाती है हेड बॉल। हेड बॉल में आप लोग देखें कि हेड बॉल जो हमारी होगी वो किस तरह से हमारी कवर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम आप लोगों को पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। पॉइंट्स में आप लोग देखें खेल का टाइम जो है वो आप लोगों ने देखा है, ठीक है। खेल के जो टाइम होता है वो 10 मिनट्स के जो है 4 हाफ होते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स के 4 हाफ होते हैं तो इस तरह से हमारा जो टोटल जो टाइम होगा वो 40 मिनट का होगा, ठीक है। आप लोग देखें कि 10 मिनट्स के बाद 2 मिनट्स की फर्स्ट हाफ में आप लोग देखें
10 मिनट्स के बाद 2 मिनट की जो है वो ब्रेक दी जाती है, ठीक है, फर्स्ट हाफ में, ठीक है। हमारा सेकंड हाफ का जो होगा वो हाफ हो गया, यानी कि दोनों हिस्सों को जो सेकंड हाफ होगा वो हमारी, उसमें जो हमें ब्रेक मिलेगी वो 15 मिनट्स की होगी, ठीक है। 15 मिनट्स की ब्रेक होगी, उसके बाद हमारा जो थर्ड हाफ होगा उसके बाद भी जो आपको ब्रेक मिलेगी वो 2 मिनट्स की होगी, ठीक है। ये हमारा खेल का जो टाइम है वो कवर होगा। इस तरह से हमारा जो मिनट होंगे वो टोटल जो हमारे खेल का जो टाइम होगा वो 40 मिनट्स का होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें टाइम आउट, टाइम आउट में आप लोग देखें टाइम आउट आपको किस तरह से मिलता है। रेफरी आपको टाइम आउट उस सूरत में देता है जब आपका फाउल हो जाता है, ठीक है, या कोई खिलाड़ी गेम से जो है ग्राउंड से जो है वो बाहर चला जाता है, या फिर किसी को कोई जख्मी हो जाता है, तो उस सूरत में टाइम आउट दिया जाता है, ठीक है। टाइम आउट में जो है इत्तेदरान जो है वो खेल के रोकने पर भी जो है टाइम आउट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद बाल जो है वो जंप होने की सूरत में भी दिया जाता है, बाल मुर्दा होने की सूरत में भी दिया जाता है, ठीक है, और हेड बॉल होने की सूरत में जो है वो टाइम आउट दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड जो हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है वो हेड बॉल, हेड बॉल में आप लोग देखें कि हेड बॉल आपको किस तरह से मिलती है, ठीक है। हेड बॉल में आप लोग ये देखें कि जब भी दो मुखालिफ खिलाड़ियों जो खेल रहे होते हैं एट द स्पॉट जो टाइम जो है वो आप लोग देखें हेड बॉल में, कि जब भी बॉल जो है वो दोनों प्लेयर्स के दरमियान जो वो फंस चुका होता है, ना वो फाउल हो रहा होता है और ना वो बॉल आगे जा रहा होता है, एक ही स्पॉट पे जो है वो बॉल रुका हुआ होता है, फाइव सेकेंड कि जो है वो एक ही खिलाड़ी के पास 5 सेकंड तक जो है वो बॉल होगा, वो मुखालिफ खिलाड़ियों के जो है दरमियान जो फंसा होता है, ना वो बॉल पास कर सकता है और ना वो बॉल जो है वो बास्केट कर सकता है, तो उस वक्त जो है रेफरी जो है वो हेड बॉल दिया जाता है। हेड बॉल का मतलब ये होता है कि जब भी बॉल फंस चुका होता है, कोई फाउल नहीं हो रहा होता, तो उस सूरत में जो है वो रेफरी हेड बॉल जो है वो आपको देगा। और हेड बॉल किस तरह से हम लोग करेंगे, वहीं से हम लोग सेंटर से देखें कि यहाँ से हमारा एक प्लेयर यहाँ पर खड़ा होगा और एक प्लेयर यहाँ पर होगा, दोनों टीमों के जो प्लेयर्स होंगे, और रेफरी जो है वो हेड बॉल को उसी तरह से स्टार्ट करेगा जैसे हम लोगों ने जंप बॉल के जरिए जो है वो बॉल को स्टार्ट किया था, वो अपने ही कद के मुताबिक जो है वो बॉल को उछालेगा और फिर हमारा जो गेम का दोबारा जो है वो आगाज़ हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो है वो हेड बॉल को कवर हो रहा है एरिया, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें मुर्दा बॉल, मुर्दा बॉल जो किस सूरत में होती है, मुर्दा बॉल उस सूरत में होती है जब भी कोई फाउल हो जाता है, जैसे हमारा जो हमारा एरिया जो हो रहा था मुर्दा बॉल में वो ये था कि जब भी हम लोग देखें कि मुर्दा बॉल उस सूरत में होगा, गोल जो है वो हो चुका होगा जब हमें मुर्दा बॉल जो है वो तसव्वुर होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें कि हमारा 5 सेकंड के जो है वो एक ही प्लेयर जो है वो बॉल को रोक कर रखेगा, तो हमारा रेफरी जो है वो मुर्दा बॉल को बताएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें इसमें जो है जब बॉल कोर्ट से बाहर जा चुका होगा तब भी बॉल मुर्दा होगा, ठीक है। उसके बाद देखें खेल के इख्तिताम पर जायद वक्त के इख्तिताम पर बॉल जो है वो मुर्दा तसव्वुर होगा, ठीक है। जब भी दो खिलाड़ियों के दरमियान बॉल फंस चुका होगा, जैसे हेड बॉल जो है वो हमारी, उस वक्त भी हमारा बॉल जो है वो मुर्दा होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें लास्ट पॉइंट आपका है खिलाड़ियों का लिबास, खिलाड़ियों का लिबास जो हमारा होगा, ठीक है, वो हमारे जो खिलाड़ियों का लिबास होगा वो एक जैसा ही होगा, जैसे उन्होंने बनियान और निकर जो पहनी होती है वो एक जैसी होगी, उन पर जो है नंबर अलाट किए जाएंगे, ठीक है। जो नंबर अलाट किए जाएंगे वो हमारी नंबर अलाट की जो मोटाई होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। एक टीम जो है वो खिलाड़ी एक ही रंग का जो है वो लिबास जो है वो उस वक्त पहनेगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें खिलाड़ियों की बनियान के सामने और पीछे जो है 15 तक जो है नंबर जो है वो 15 जो है वो नंबर लगे होते हैं, ठीक है। ये हमारा खिलाड़ियों का लिबास होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें ये हमारा एरिया जो है वो टोटल जो हमारा बास्केटबॉल का जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो कवर हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।